स्वागत आप सबका आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 के अंदर। मैच है आयरलैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच में, जो खेला जाएगा एडिलेड ओवल एडिलेड पे। मैच टाइमिंग सुबह के 9:30 बजे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इस वेन्यू के ऊपर लास्ट टी20 का मैच खेला गया था 2 नवंबर को। मैच था भारत बनाम बांग्लादेश के बीच में। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और जो यहाँ पे पिच रहेगी, ये यूज्ड पिच हो सकती है, यहाँ पे फ्रेश पिच का इस्तेमाल किया भी जा सकता है। ऐसे भी आपको टॉस के टाइम पे पता चल जाता है कि पिच फ्रेश है, यूज्ड है। आपको हमेशा की तरह मैं टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा पिच के बारे में। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो आप बताऊँ कैसे पिच रिपोर्ट पता कर सकते हो। जो सुबह 9:30 बजे मैच होता है उसके अंदर जो पिच रिपोर्ट होती है ना, वो 8:55 पे आती है, ये याद रखनी है आपको। और जो दोपहर का मैच होता है 1:30 बजे, उसके अंदर पिच रिपोर्ट टॉस के बाद आती है, पर सुबह के मैच के अंदर ना पिच रिपोर्ट पहले आती है टॉस से। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो आप स्टार स्पोर्ट्स पे जाके देख सकते हो पिच रिपोर्ट, या फिर आप हॉट स्टार पे देख सकते हो। वरना बेस्ट है टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ पे मैं पूरी पिच रिपोर्ट आपको बताता हूँ, जो मैं वहाँ पे सुनता हूँ देखता हूँ, ठीक है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इस वेन्यू के ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन रही है मेरी, जो आपको यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा। कि ऑब्जर्वेशन ये है कि जो टीम यहाँ पे चेस करती है उनके ओपनर्स यहाँ पे जल्दी विकेट गवा देते हैं, हेजिटेट करते हुए खेलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इस वेन्यू के ऊपर रन्स पर ओवर, मतलब प्रति ओवर यहाँ पे कितना रन्स बना है, जो पिछला बिग बैश सीजन हुआ था 11th, तब यहाँ पे प्रति ओवर रन्स बने थे 7.9। तो अच्छा वेन्यू, यहाँ पे हर एक ओवर के अंदर लगभग 8 के आसपास रन्स बनते हैं। तो कह सकते हैं इट्स अ गुड वेन्यू फॉर बैटर्स ऑफ। लास्ट मैच याद करो भारत का था, 184 जैसा विशाल स्कोर खड़ा किया था। वहाँ पे बस एक प्लेयर चला था, केएल राहुल और विराट कोहली, दो प्लेयर चले थे वहाँ पे। स्काई चलते, रोहित चलते, हार्दिक चलते, तो मेरे हिसाब से 200 के ऊपर जाता था स्कोर। तो बढ़िया पिच रहती है यहाँ पर। और अपन देखते हैं पहली पारी के अंदर यहाँ पर किस तरह से स्कोरिंग पैटर्न बना। लास्ट मैच हुआ था भारत का 184 बना 6 विकेट उगा के। उससे पहले जो सुबह मैच हुआ था 117 बनाए थे वहाँ पे जिम्बाब्वे ने। फिर इससे पहले 161, 155, 127, 126, 187, 208, 149। तो यहाँ पे 150 के आसपास स्कोर बनता है नॉर्मली देखा जाता है। एकदम हाई स्कोरिंग वेन्यू भी नहीं है कि यहाँ पे 200 बन रहे हो, 206 हो रहे हो, ऐसा वेन्यू नहीं है। 160 टू 170 के बीच में स्कोर बन जाता है, वो भी ठीक ठाक माना जाता है। और पहली पारी के अंदर यहाँ पे औसतन 7 से 8 विकेट गिरते हैं। जो हमें पिछले मैच में थे 2 नवंबर को, डबल हेडर का मैच था, तो उसमें पहले भारत ने 6 विकेट गवाए थे, जिम्बाब्वे ने 10 विकेट गवाए थे। तो आप समझ सकते हैं नॉर्मली पहली पारी के अंदर 7 से 8 विकेट गिरते हैं। उससे पहले 7 विकेट, 6 विकेट, 9, 10, 3, 7, 10, तो देखा जाता है नॉर्मली यहाँ पे विकेट गिरते हैं। इस वेन्यू के ऊपर न्यूजीलैंड कंट्री भी एक भी बार नहीं खेली है, और यहाँ पे आयरलैंड की टीम भी पहली बार खेलने वाली है। मतलब दोनों टीम पहले कभी नहीं खेली है, दोनों का इस वेन्यू के ऊपर पहला मैच होगा। मेरे पास कुछ फोटोज है पिच वगैरह के, आपको दिखाना चाहूंगा बाउंड्री डायमेंशन कैसी दिखती है। तो आप देख सकते हो, जब कल पिच की फोटो दिखाई थी ना, तब मैंने स्क्रीनशॉट निकाल लिया था, ठीक है? मैं क्यों निकालता हूँ पता है, आपको शो कर सकूँ मैं, इससे वीडियो और नॉलेजफुल प्रैक्टिकल बेस्ड बनता है। तो आप देखो इस पिच को, ये क्रीज है बैटर की, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे क्रीज, और यहाँ पर आप पिच को देख सकते हो। इस पिच के ऊपर ग्रास मौजूद थी, पर किसी भी बॉलर की बॉल ज़्यादा स्विंग नहीं हुई थी। अगर आपने मैच देखा हो, इवन अर्शदीप सिंह की बॉल स्विंग नहीं हुई थी इतनी यहाँ पे। जो बॉलर्स यहाँ पे सही लाइन लेंथ पर डाल रहे थे टस्कन अहमद को आपने देखा होगा, उनको यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प मिली थी। पर वही बात है, आप किसी भी वेन्यू के ऊपर जाओ, किसी भी पिच पे खेलो, अगर आप 4थे 5वें स्टंप पे बॉल डालते हो तो भाई साहब बैट्समैन हमेशा दिक्कत में आते हैं, वो तो परमानेंट फॉर्मूला रहा है। और पिच को देख के क्या लगा, बेहतरीन पिच थी, रन्स बनते हैं, पर ट्रू बाउंस है। सिकंदर राजा ने जो पुल शॉट्स मारे थे आपने देखा होगा कितने अच्छे से शॉट्स कनेक्ट हुए थे, स्क्वायर बाउंड्रीज यहाँ पे बहुत छोटी रहती है। ये भाई साहब पिच को देख सकते हैं, ड्रेक ने पिच के बारे में बता रहे थे, बढ़िया पिच रहती है। बाउंड्री डायमेंशन की बात करते हैं, यहाँ पे जो स्क्वायर बाउंड्रीज है बहुत छोटी होती है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, जो अपना पॉइंट होता है, डीप मिड विकेट होता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो स्क्वायर बाउंड्रीज एक तरफ 67 मीटर है, दूसरी तरफ 57 मीटर है, बहुत छोटी है। जो सामने की बाउंड्री है लंबी है 81 मीटर है, और जो यहाँ पे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ हो तो और बड़ी है 88 मीटर और 79 मीटर से लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री। ये देख सकते हो आप स्टेडियम का व्यू, नेशनल एंथम हो रहा था तब मैंने निकाला था, बहुत इमोशनल मोमेंट होता है जब नेशनल एंथम गाया जाता है। इस स्टेडियम का व्यू है, बहुत ही प्यारा स्टेडियम है, ये आप देख सकते हो। रात के टाइम पे तो स्टेडियम और ही अलग लेवल का दिखता है। चलते हैं बैक टू द स्टैट्स। तो इस वेन्यू पर जो टीम बैट फर्स्ट करी है 11 मैच जीती, यहाँ पे लिखा हुआ है। जो टीम चेस करी है यहाँ पर 8 मैच जीती है। तो बैट फर्स्ट करने टीम्स को यहाँ पे ज़्यादातर पसंद है। लास्ट 19 मैच के अंदर यहाँ पे पेसर्स ने क्या करा है, 156 विकेट निकाला है। पहली बारी में 84 और दूसरी बारी के अंदर 72 है।
राइट आर्म पेसर 133 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर का 23 विकेट है। बात करते हैं स्पिनर्स की, लास्ट 19 मैच के अंदर स्पिनर्स का 74 विकेट है, पहली बारी में 37, दूसरी बारी के अंदर भी 37, तो लगभग बराबर का काम करते हैं स्पिनर्स। ऑफ स्पिनर्स का 7 विकेट है, लेकिन लेग स्पिनर सबसे इंपॉर्टेंट, 48 विकेट्स है, लेफ्ट आर्म चेयरमैन 5, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 14 विकेट है, तो लेग स्पिनर के बाद मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स। जो लास्ट मैच हुआ था भारत बनाम बांग्लादेश के बीच में, 8 विकेट पेसर का था, 2 विकेट वहाँ पे शाकिब हसन के थे जो स्पिनर। वैद्य फुग्गा सनी है, कोई चिंता की बात नहीं है यहाँ पे, ये आप देखो। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे फिर से स्टैट्स की तरफ, तो कोई बड़ी न्यूज़ यहाँ पे नहीं आ रही है, और दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 4 मैच खेला है, न्यूजीलैंड 4 जीती है। इस साल ये दोनों टीम्स ने 2 मैच खेले थे एक दूसरे के खिलाफ, याद है ना आपको, वो सीरीज भी अपन ने कवर करी थी, ओडीआई भी खेला था, मार्टिन गप्टिल वगैरह खेल रहे थे, जॉश लिटल बार बार फिर नेलन को आउट कर रहे थे, आपको याद हो तो। मैं बताता हूँ स्टैट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आयरलैंड की लाइनअप्स, पॉल स्लिंग ओपन करते हैं, बल ब्रायन के साथ कप्तान है, लॉकन टकर, हैरी टैक्टर, क्रडस स्टैम्फर्ड, जॉर्ड डॉकरेल, गर्थ डिलानी, मार्क आदर्स, सिमिस सिंह को यार मौका नहीं दिया जा रहा, बैरी मकार्थी, जॉश लिटल। पिछले मैच में क्या था, सिमिस सिंह बाहर, फिन योहान एंड अंदर थे, पर मैं चाहूंगा सिमिस सिंह को खिलाओ यार, प्रॉपर ऑलराउंडर है। फिन एलन ओपन करेंगे डेवन कॉनवे के साथ, केन मामा, गिलन फिलिप्स, मिचेल, नीशम, सैटनर, टिम साउदी, लुकी फर्गसन, ये शुडी का होम ग्राउंड है, ट्रेंट बोल्ट। भाई शुडी का कैसे होम ग्राउंड हो सकता है, इसने एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए बिग बैश लीग खेला हुआ है, और इस वेन्यू पे इसने एक मैच खेला है, वैसे थोड़ा यार एक्सपीरियंस है इसको इस वेन्यू का, और बड़ी बात क्या है, इसने एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए बिग बैश लीग के अंदर 3 मैच खेले, ये भी आपको मैं जानकारी दे दूँ। चलते हैं किसकी तरफ, जब दोनों टीम सामना सामना करी तो क्या हुआ है, पॉल शिलिंग ने अगेंस्ट न्यूजीलैंड 3 मैच खेला है, 74 रन है, 40 बैट फर्स्ट, 21 और 13 चेस पे करा था, बलब्राइनी का 3 मैच में 32 रन है, 12 चेस पे, 10 चेस पे, 10 बैट फर्स्ट पे, लॉकन टकर 3 मैच में 30 रन है, बैट फर्स्ट 23 है, चेस के ऊपर 5 और 2 है, कर्टस स्कैम्फर ने अभी हेड टू हेड के अंदर 3 मैच में 62 रन करे, अच्छे स्कोर्स करे, 29 चेस पे, 19 नाबाद बैट फर्स्ट, 14 चेस पे, बॉल फर्स्ट 2 मैच में 1 विकेट है, बॉल सेकंड 1 मैच में 0 विकेट है, तो ये 3 मैच के अंदर 1 विकेट निकाला, 2 बार विकेट लस गया। जॉर्ड डॉकरेल 3 मैच के अंदर 25 रन 2 विकेट है, बैट फर्स्ट 10 15 0 और बॉल फर्स्ट 2 मैच में 1 विकेट है, बॉल सेकंड 1 मैच में 1 विकेट, 1 बार विकेट लस गया। जॉर्ज डिलानी का 3 मैच के अंदर 7 रन है, 0 विकेट्स है विद द बॉल, डिलानी का 2 रन बैट फर्स्ट, चेस के ऊपर 5 और 0 है, बॉल फर्स्ट 1 मैच में 0, बॉल सेकंड भी 1 मैच में 0, 3 मैच खेल के 2 पारी में बॉलिंग करी है, इस वर्ल्ड कप में एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे हैं। मार्क आदिर का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, 3 मैच के अंदर 89 रन है, हाईएस्ट रन गेटर है, हेड टू हेड के अंदर ये बंदा 2 विकेट है, बॉल फर्स्ट 2 मैच में 2 विकेट है, बॉल सेकंड 1 मैच में 0 विकेट है, 2 बार विकेट लग गया। अभी तक इनका वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं गया है, स्पेशली राउंड 1 को छोड़ दे, जो आपको पता उसके अंदर वो टीम्स थी यूई वगैरह, वो सारी टीम्स थी राउंड 1 में, पर राउंड 2 जब स्टार्ट हुआ था तब ये भाई साहब परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। सिमिस सिंह हेड टू हेड नहीं खेला है, बरी मकार्थी का 3 मैच में 18 रन 0 विकेट है, बॉल फर्स्ट 2 मैच में 0, बॉल सेकंड 1 मैच के अंदर 0 विकेट है, 3 बार विकेट लग गए। जॉश लिटल का बेहतरीन स्टैट्स हैं, 3 मैचेस के अंदर हेड टू हेड के अंदर 8 विकेट है, 4 विकेट बॉल फर्स्ट, 2 विकेट बॉल फर्स्ट, फिर 2 विकेट बॉल सेकंड, बेहतरीन स्टैट्स फॉर जॉश लिटल। और फ्योर हैंड ने हेड टू हेड नहीं खेला, T20 में 17 मैच में 17 विकेट है। स्टार्टिंग वो डालेंगे मार्क आदिर, जॉश लिटल, बैरी मकार्थी, डेथ ओवर के अंदर मार्क आदिर, जॉश लिटल, बैरी मकार्थी। चलते हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड की तरफ, फिन एलन ने अगेंस्ट आयरलैंड 3 मैच में 50 रन करे, 35 बैट फर्स्ट, 14 चेस पे, 1 बैट फर्स्ट। केन विलियमसन, डेवन कॉनवे रेस्टेड थे, टिम साउदी रेस्टेड थे, ट्रेंट बोल्ट रेस्टेड थे जब इनका लास्ट टाइम हेड टू हेड मैच हुआ था। गिलन फिलिप्स 3 मैच के अंदर 148 रन से बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था, गिलन फिलिप्स का हेड टू हेड के अंदर वर्सेस दिस टीम 69 इन्होंने बनाया था वहाँ पे, बैट फर्स्ट करते हुए नाबाद, फिर 56 नाबाद चेस करते हुए, 23 बैट फर्स्ट, इस तरह से इनके परफॉर्मेंस आए थे, बहुत अच्छे स्टैट्स थे भाई साहब इनके। और डेल मिचेल ने 3 मैच में 67 रन करा था, 48 चेस पे, 14 और 5 इन्होंने करा था बैट फर्स्ट करते हुए, लिखा वहाँ पे क्लियरली मैंने, दो टीम की मतलब बैट सेकंड होता है, एक टीम की मैंने ऊपर लगाई ऐसा तो फिर वो बैट फर्स्ट होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया जो मेरे को पहले से फॉलो करते हैं। नीशम का 3 मैच में 53 रन 2 विकेट है, बैट फर्स्ट 29, 1 नाबाद, चेस के ऊपर 23 नाबाद। मिथ सैटनर का 3 मैच के अंदर 2 विकेट है, 2 बार विकेट लस गया भाई साहब ये, बॉल फर्स्ट 1 मैच में 0 विकेट है, बॉल सेकंड 2 मैच में 2 विकेट है। टिम साउदी हेड टू हेड नहीं खेला, ट्रेंट बोल्ट ने नहीं खेला। फर्गुसन का 5 विकेट है 2 मैच में, दोनों बार बॉल सेकंड है। इस शुडी का 2 विकेट बॉल फर्स्ट, 3 विकेट बॉल सेकंड, 1 विकेट बॉल सेकंड है, तो शुडी फर्गुसन इंपॉर्टेंट लग रहा है। टिम साउदी का फॉर्म अच्छा है, ट्रेंट बोल्ट का फॉर्म अच्छा है, तो मेरे को 5 बॉलर है ना बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। कौन कौन? फर्गुसन, शुडी, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, 5 को लेकर चलने की कोशिश करूंगा मैं,
और तो और यहाँ पे स्टार्टिंग में डालते हैं ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, मिसेस सैटमन, फर्गुसन, डेथ रखा जाते हैं फर्गुसन, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी। चलेंगे यहाँ पे वेन स्टैट्स की तरफ। जब इस वेन्यू पे मैच हुआ है तो किसने क्या करा हुआ है, इस वेन्यू के ऊपर आयरलैंड की तरफ से कोई नहीं खेला है, पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले आयरलैंड की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में पॉल शिलिंग ने दो मैच में 11 रन करा था, बलब्राइनी ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले 2 मैच में 5 रन करे थे, जैसे मैंने लिखा हुआ था पहले। और न्यूजीलैंड की तरफ से 2 प्लेयर्स ने यहाँ पे खेला हुआ है, दोनों बिग बैश लीग खेल चुके हैं। इस स्टूडी ने यहाँ पे एक विकेट निकाला बॉल फर्स्ट करते हुए, और 8:30 के आसपास इसने इकोनॉमी रखी थी वहाँ पे, प्रति ओवर इतने रन दिए थे इस वेन्यू पे। एडम लेन का 3 मैच के अंदर 1 विकेट, 2 बार विकेटलेस गया भाई साहब। ये एडम लेन खेलते हैं सिडनी थंडर के लिए, इस जोड़ी खेल चुके हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए। मैचअप्स की बात करें कॉनवे ने फेस नहीं करा आज तक आयरलैंड को, फिन एलन वर्सेज जॉश लिटल 3 बार आउट करा, बहुत बड़ा मैचअप है फिर से आपको देखने को मिलेगा। दोनों यंगस्टर्स हैं, 18 गेंद 25 रन, 3 बार आउट किया है जॉश लिटल ने फिन एलन को, और 3 बार पहली पारी में आउट किया है। ओपनिंग कौन करता है न्यूजीलैंड के लिए, फिन एलन, और वहाँ से आयरलैंड के लिए बॉलिंग की कौन ओपनिंग करता है, जॉश लिटल और मार्क हादिर। मार्क हादिर ने भी 1 बार चलता गया 29 ओवर में 33 रन देकर, कर्टस कैम्फर ने 4 गेंद में 2 रन देकर 1 बार आउट किया है। केन मामा यट टू फेस है ग्लेन फिलिप्स वर्सेज जॉश लिटल, 38 गेंद 55 रन 1 बार आउट किया है। जिम मिनीशियम वर्सेज डॉकरेल 7 गेंद 12 रन 1 बार आउट किया है। डरेल मिचेल वर्सेज जॉश लिटल 10 गेंद 15 रन 2 बार आउट किया हुआ है। तो जॉश लिटल का नाम बार बार आ रहा है, मेरे को महत्वपूर्ण प्लेयर लग रहा है। इवन कर्टस कैम्फर ने 10 गेंद में 20 रन देकर 1 बार आउट किया हुआ है। चलते हैं यहाँ पे गप्तिल को तो मौका टीम दे नहीं रही है, गप्तिल इस साल मेरे हिसाब से बेंच के ऊपर ही बैठेंगे, फिन एलन पे ज़्यादा ट्रस्ट है उनको, फॉर्म भी उनका है वैसे, गप्तिल का फॉर्म कंसर्न था। पॉल शिलिंग वर्सेस फर्गुसन 39 बॉल 43 रन, 3 बार आउट करा, 2 बार दूसरी पारी में आउट किया है फर्गुसन ने। बहुत अच्छा तरीके से निकालता है फर्गुसन पॉल शिलिंग को, अपनी गति से बीट करता है, जितना मैंने दिखा था लास्ट टाइम ओडीआई हुआ था आयरलैंड के अंदर, तो भी वहाँ पे अपने ऑब्जर्व करा था। इस स्टोरी ने 6 गेंद में 9 रन देकर 1 बार आउट किया हुआ है। बलब्राइनी वर्सेस सैटनर 18 गेंद 11 रन 1 बार आउट किया है। लॉकन टकर वर्सेस स्पिन बहुत बड़ा थ्रेट रहता है, इस जोड़ी के सामने 27 गेंद 35 रन 1 बार आउट हुए, सैटनर के सामने 35 गेंद 36 रन 1 बार आउट हुए। लास्ट टाइम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया लॉकन टकर वाज द वन मैन आर्मी शो। हैरी टैक्टर वर्सेस सैटनर 29 गेंद 27 रन 2 बार आउट किया, 2 बार दूसरी पारी में। कर्टस कैम्फर वर्सेज इशोडी फर्गुसन सैटनर 1-1 बार आउट हुए। जॉर्ज डॉकरेल वर्सेज इशोडी 3 दफा आउट करा डॉकरेल को इशोडी ने, 20 गेंद में 11 रन देके 2 बार दूसरी पारी में आउट किया है। कॉमन कैप्टन डेवन कॉनवे, ट्रेंट बोल्ट बड़ी लीग में बनाओ, डेवन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स इफ न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट, ये चीज़ ध्यान देना, अगर न्यूजीलैंड पहले बैट कर रही हो तो ये आप डेवन कॉनवे को कैप्टन बनाना, वरना टीम में भी मत लेना। शोड़ी है यहाँ पे स्पेशल, ट्रेंट बोल्ट स्पेशल है, अलग जाना है। तो केन मामा सरेंस नहीं बनने प्लेयर अच्छा है, सैटनर अच्छे पिक है, मार्क आदिर एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, उनका दिन रात अच्छे पॉइंट दे सकते हैं। मेरे पास कैप्टन कॉनवे है, वाइस कैप्टन यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट है। अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड पहले गेंदबाजी कर रही होगी तो मेरे पास 2-3 केसेस बनते हैं, अगर न्यूजीलैंड पहले गेंदबाजी कर रही है तो मैं कैप्टन बना सकता हूँ यहाँ पे, बताऊँ किसको, ट्रेंट बोल्ट को, और फर्गुसन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के। तो मेरा ट्रेंट बोल्ट फर्गुसन कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं अगर न्यूजीलैंड पहले गेंदबाजी करती है तो। अब एक और बात सुनो, न्यूजीलैंड पहले बैट कर रही है तो ग्लेन फिलिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको कैसे भी करके चारों में से किसी एक प्लेयर को निकालना पड़ेगा, ग्लेन फिलिप्स लेना पड़ेगा, या फिर आप केन विलियमसन को बाहर निकालो और फिर ले लो आप वहाँ पे ग्लेन फिलिप्स को। ग्लेन फिलिप्स बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा बंदा, जब प्लेयर फॉर्म में होता है तो सारी चीज़ें अच्छी होती है। लास्ट मैच में भाई के 2 कैच ड्रॉप हुए थे ग्लेन फिलिप्स के 15 और 16 रन के आसपास, भाई ने क्या खेला था, फिर 60 रन बना गया था वहाँ पे, तो चीज़ आपको ध्यान देनी, ठीक है। तो ये था मेरा लॉजिक, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे किसकी तरफ, बड़ी लीग्स में करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है पहली बात तो, ठीक है, जो घबराएगा घर जाएगा, सीधी सीधी बात है। डेवन कॉनवे यहाँ पे टॉप मोस्ट पिक है, बेहतरीन फॉर्म में, थ्रू द सर्किट आया पूरा फॉलो करके। अब आपको सर्किट क्या होता है, जो क्रिकेटिंग सर्किट होता है उसको बोलते हैं अपन डोमेस्टिक, खेला डोमेस्टिक में बहुत रन बनाए, वेट किया फिर से रन बनाया, फिर इसने बहुत खेला फिर से वेट किया, इसके साथ ऐसा ही चलता रहा। साउथ अफ्रीका के अंदर था ये बंदा, साउथ अफ्रीका के अंदर इसको मौका नहीं मिला तो ये वहाँ पे अपना सब कुछ बेच बाज के यहाँ पे आ गया, कुछ नहीं था इसके पास, खाने पीने के पैसे भी नहीं बचे थे, एक टाइम ऐसा आ गया था जिसने अपना जो सब कमाया था लाइफ के अंदर वो सब दाव पे लगा के न्यूजीलैंड के अंदर आ गया था। न्यूजीलैंड वैसे महंगी कंट्री है आपको पता ही होगा, वहाँ पे आया वहाँ पे रहा, अपना फॉर्म मतलब रन बनाए भाई ने, दिखाया अपना दम, जैसे ही इसको सिटीजनशिप मिली न्यूजीलैंड की, डायरेक्ट टीम में आया, लॉर्ड्स के अंदर पहला मैच खेला, डबल सेंचुरी वहाँ पे चढ़ी भाई सामने, गजब बंदा यार ये। हैट्स ऑफ टू दिस गाय डेवन कॉनवे, सीएसके में खेलता है अभी। लॉकन टकर यहाँ पे एक अच्छे पिक रह सकते हैं, हर मैच में पॉइंट्स देना कुछ ना कुछ, फिनलैंड को भी आप ले सकते हो पर लिटिल के सामने स्ट्रगल है। ग्लेन फिलिप्स बहुत इंपॉर्टेंट
प्लेयर है फॉर्म वाइज भी देखा जाए, बैट सेकंड में आप चाहे तो ड्रॉप भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर टॉप तीन काम कर जाएंगे तो। फिन एलन भी कर सकते हैं वो काम, उनको भी ले सकते हो। केन मामा यहाँ पे एक अच्छे पिक हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्यों भाई रन्स बनाते हैं ये, सिंगल सिंगल डबल डबल निकाल निकाल के, चौके छक्के में ज़्यादा मारते नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स देंगे 40-50 को। और कवर्स पे खड़े रहते हैं, वहाँ पे बॉल आती है कैच पकड़ने के लिए, तो कैचिंग के आपको 8-16 पॉइंट दे सकते हैं। सेलिंग अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत दमखम रखते हैं। बलब्रायनी को आप चाहे तो ले सकते हैं, मैं डॉकरे के साथ जा रहा हूँ। तो मिडल ऑर्डर में खेलते हैं, इस साल इनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा रहा है, टॉप 5 के अंदर आते हैं ये, जो 7 से 15 ओवर के बीच में रन बनाते हो, 7 से 15 ओवर का जो फेस होता है ना मिडल फेस, उसके अंदर इसका स्ट्राइक रेट 150 के आसपास रहता है डॉकरेल का, तो अच्छे खिलाड़ी हैं। वैसे और भी डालते हैं, सैटनर इंपॉर्टेंट, कॉर्डस कैम्फर आजकल गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, बस एक ही मैच में इसने 150 पॉइंट दिया था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जितना मुझे याद आता है। गिलानी आपको कॉल रहेगा, ले सकते हो, अच्छा स्पिनर है। ट्रेंट बोल्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिटिल है, इंपॉर्टेंट साउदी है, इंपॉर्टेंट फर्गुसन है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे शोडी है, इंपॉर्टेंट मेरे को मार्का देर लगते हैं। अब आपकी मर्जी, आप चाहे किसी एक को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ जा सकते हो, लाइक ग्लेन फिलिप्स, फिन एलन, मेरे को दोनों इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। फिन एलन पे तो थोड़ा सा थ्रेट है, पर यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स मेरे को लग रहा है कुछ फिर से करके जा सकता है बंदा, फॉर्म में अच्छी कैचिंग पकड़ता है, फील्डिंग भी अच्छी करता है बंदा, ऐसे एरिया पे रहता है जहाँ पे बॉल ज़्यादा आती हो, भागता भी बहुत तेज है। तो टीम में ना पूरा हो, और कोई भी फर्दर अपडेट्स आई दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल मैं आपको कमेंट सेक्शन प्लस में डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। और कौन में विकेट कीपर है, ये भी आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स देंगे ही देंगे, कैच पकड़ के बिहाइंड द कीपर, मतलब जो कॉट बिहाइंड होते हैं वो सब, ठीक है। और अगर आपको स्टैट जो मैंने वीडियो में दिए हैं ये सब आपको चाहिए तो बताऊँ क्या करना, गूगल में जाओ, वहाँ पे सर्च करो statsguruji.com, गूगल में आप टाइप कर दो statsguruji.com करके, पहले नंबर में मेरी वेबसाइट मिलेगी आपको, उस पर क्लिक करना, आप वहाँ पे जाकर स्टैट्स देखिए, और वेबसाइट मैंने आपके लिए बनवाई है करके, तो देखते रहिए स्टैट्स। यू लव यू गाइस, शुभ नेशे प्यार बनाए रखना, मिलते अगली दफ़ा, ऑल द बेस्ट फॉर दिस आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 इन ऑस्ट्रेलिया।